किडनी खराबी आपके जीवन में एक ऐसी समस्या है जिसका सही समय पर उपचार होना जरूरी होता है। अगर आपकी किडनी सही तरह से अपना काम करती है तो इससे आपके शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से चलते हैं, लेकिन अगर आपकी किडनी थोड़ी सी भी खराब हो जाए तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट में, जहां हम आपको हमेशा किडनी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। आज हम बहुत ही खास विषय पर आपसे बात करेंगे। आज हम आपको किडनी बीमारी के प्रकार बताएंगे। लेकिन अपने विषय पर चर्चा करने से पहले, जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं और आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और सबसे पहले जानते हैं किडनी के बारे में कुछ खास जानकारी। सबसे पहले जानते हैं कि मानव शरीर में किडनी का क्या काम होता है। किडनी मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि शरीर के सभी अंग सही तरह से अपना काम करें, जिसके लिए यह जरूरी है कि आपकी किडनी स्वस्थ रहे, क्योंकि आपके शरीर में होने वाले सभी कार्य किडनी के माध्यम से होते हैं। मानव शरीर में दो किडनियां होती हैं जो पसलियों के नीचे स्थित होती हैं। अगर किडनी के काम के बारे में बात की जाए तो किडनी का काम ब्लड में मौजूद गंदगी, पानी और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक तत्वों को छानकर शरीर से बाहर करने का होता है। यह सभी हानिकारक तत्व ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं और फ्री यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह किडनी अपने काम को सुचारू रूप से करती रहती है, जिससे शरीर में कोई भी समस्या नहीं होती। जब तक किडनी अपना काम सही ढंग से करती है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होती और साथ ही आप यूरिन इन्फेक्शन से भी बचे रहते हैं। साथ ही आपको बता दें, स्वस्थ किडनी शरीर में विटामिन डी को भी एक्टिवेट करती है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। किडनी तब तक अपने काम को सही तरह से करती है जब तक कि आप अपनी जीवन शैली में बेवजह कोई बदलाव नहीं करते। लेकिन जब आप अपने रोजाना के आहार में और दिनचर्या में कोई बदलाव करते हैं तो इससे किडनी के काम में रुकावट आती है और किडनी डैमेज होने लगती है। अब बात करते हैं किडनी में खराबी कितने प्रकार से होती है। वर्तमान समय में गलत खान पान होने के कारण अक्सर किडनी खराब हो जाती है। किडनी में किसी भी प्रकार की समस्या तब आती है जब किडनी किसी कारण से डैमेज होने लगती है या इसे काम करने में किसी भी प्रकार की रुकावट आती है। अगर बात किडनी खराबी की करें तो मुख्य रूप से दो प्रकार की मानी जाती है, जिसमें पहला है एक्यूट किडनी डिजीज और दूसरा है क्रॉनिक किडनी डिजीज। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक्यूट किडनी डिजीज क्या होता है। जब अचानक से किसी कारण की वजह से किडनी खराब हो जाती है तो उसे एक्यूट किडनी डिजीज कहते हैं। इस सिचुएशन में किडनी अचानक से ही खराब हो जाती है, जिसका समय पर इलाज करने से यह जल्दी ठीक भी हो जाती है। एक्यूट किडनी डिजीज में खराबी कुछ कारणों की वजह से आ सकती है, जैसे किसी दवा के अधिक सेवन से, इन्फेक्शन के कारण, या फिर किसी समय किडनी अचानक से खराब हो सकती है। आइए एक्यूट किडनी डिजीज के कुछ लक्षणों के बारे में जानते हैं। आपको शरीर के अंगों में सूजन हो सकती है, पेशाब करते समय जलन और दर्द महसूस हो सकता है। यह निश्चित है कि आपको पेशाब रुक रुक कर आएगा और यह बहुत कम मात्रा में आएगा। अगर आपकी भूख में भी अचानक से कमी हो जाए तो यह एक्यूट किडनी डिजीज के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए अब बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में। किडनी में होने वाली सबसे आम बीमारी सीकेडी मानी जाती है। यह बीमारी ऐसी होती है जो लंबे समय से चली आ रही होती है। सीकेडी होने का मुख्य कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी ब्लड को ठीक तरह से छान नहीं पाती, जिसके कारण किडनी के काम में दबाव पड़ता है और किडनी डैमेज होती रहती है। इसके साथ ही क्रॉनिक किडनी डिजीज का दूसरा कारण डायबिटीज की समस्या होना भी होता है। जब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे किडनी को शुगर युक्त ब्लड को बार बार साफ करना पड़ता है, तो किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज जैसी समस्या को बना देते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज का पता बहुत देर से चलता है, क्योंकि इसके लक्षण जल्दी समझ नहीं आते। जब तक इसके लक्षण समझ आते हैं तब तक आपकी किडनी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जिसके लिए लोग एलोपैथी इलाज के चलते डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जैसे उपाय को अपना लेते हैं, जो कि किडनी को और ज्यादा डैमेज कर देते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए अगर आप अच्छा और सही उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप आयुर्वेद से बेहतर कोई और उपचार नहीं ले सकते। आयुर्वेदिक उपचार में किडनी का सही इलाज मौजूद है, जिसका आपके स्वास्थ्य पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। आइए अब जानते हैं सीकेडी के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको आप अक्सर इग्नोर करते हैं। अगर आपको रोजाना सुबह के समय पैरों, चेहरे और आंखों के चारों तरफ सूजन नजर आती है तो यह क्रॉनिक किडनी डिजीज का संकेत हो सकता है। आपको अचानक से भूख में कमी, उल्टी आना, कमजोरी लगना, थकान होना और बॉडी में ब्लड की कमी हो जाना भी किडनी खराबी की वजह से हो सकता है।
जिन्हें कम उम्र में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है या उनका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रहता है, तो यह किडनी में खराबी की समस्या को दर्शाता है। अगर आपको यूरिन की मात्रा में कमी होती है तो वह किडनी खराबी का एक संकेत हो सकता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज में ज़्यादा थकान महसूस करना और नींद ना आना किडनी खराबी की ओर संकेत करता है। अगर आपकी भूख में कमी हो जाए या आपके वजन में बदलाव हो तो यह हो सकता है कि आपकी किडनी में खराबी आ गई है। कमर में पसलियों के निचले हिस्से में दर्द होना या अक्सर सर दर्द क्रॉनिक किडनी डिजीज का संकेत होता है। तो ये हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के कुछ लक्षण जिनको इग्नोर करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप इसके लिए अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जगह दें। जिन लोगों को किडनी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है वो अपने जीवन में आयुर्वेदिक उपचार को शामिल कर सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मायुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मायुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मायुर्वेदा में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मायुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है रानी कुमारी जो कि पटना से आए हैं। हाँ, पटना से आए। क्या क्या दिक्कत हो रही थी रानी जब आप आए थे उस समय? उस वक्त तो बहुत दिक्कत थी, मुलोबिन बहुत कम था, वीकनेस बहुत ज्यादा था, स्वेलिंग भी थी, और तो बस उस वक्त भी इतना था। हाँ, अब तो काफी फर्क पड़ा है पहले से। हाँ, क्या क्या फायदा हुआ है, क्या क्या लाभ हुआ है, खुल के बताइए ताकि आपके द्वारा और लोगों तक भी संदेश पहुंच पाए। पटना निवासी, बिहार निवासी, भारत निवासी और पूरे विश्व भर में संदेश जाएगा आपका, जो आपको फायदा हुआ है। फायदा ये है कि पहले वोमिटिंग रहता था, वो ऐसा नहीं लगता है, तो अब वीकनेस कमा है, लेकिन थोड़ा कमा है, ज्यादा अभी वीकनेस है, धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। और स्वेलिंग वगैरह जो रहती थी वो ठीक है, वो ठीक है। पहले तो पैरों में भी सूजन थी। हाँ, पहले पैरों में थे। तो ये है रानी कुमारी और पहले के और अब की रिपोर्ट्स में इनको क्रिएटिनिन जो था पहले वो 2.18 था और हीमोग्लोबिन जो था वो 6 के आसपास इनका चला गया था। दोनों चीजें थी, क्रिएटिनिन बढ़ गया था, हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो गया। इन्होंने एक रिपीट टेस्ट कंडक्ट कराया और इसके अंदर अगर हम देखें तो 16 अगस्त को क्रिएटिनिन 1.8 हो चुका है, रिड्यूस होना शुरू हुआ है, ब्लड यूरिया भी रिड्यूस हुआ, हीमोग्लोबिन भी इम्प्रूव किया है, 7.3 हो गया। यानी कि पहले और अब में जो है वो काफी इम्प्रूवमेंट्स नजर आई हैं। ना केवल क्रिएटिनिन कम हुआ है बल्कि हीमोग्लोबिन भी इम्प्रूव हुआ है, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आए। क्योंकि क्रिएटिनिन जब ये एक्सेस हो जाता है तो काफी हद तक डैमेज हो जाता है किडनी को, तब जाता है, और अब ये रिड्यूस होना शुरू हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव आशा है। क्या बताया था पटना में डॉक्टर्स ने वहाँ पे आपको? पटना में तो मैं मॉडर्न दवाइयाँ ली थी, एलोपैथिक। तो शुरू में स्टार्टिंग में बोले कि ये जो आपका किडनी में प्रॉब्लम आ गया है, जो आप दवाइयों के मतलब सारे आपको लैब चलना होगा। फिर कुछ दिन के बाद में फिर मैं उससे बहुत ही ठीक नहीं हो रहा था, परेशानी बढ़ गया था, तो फिर यहाँ आए। अब तो काफी रिलीफ हुआ है, सिम्टम्स में भी रिलीफ हुआ है और साथ साथ रिपोर्ट्स भी यही बता रही है कि काफी अच्छा रिलीफ है। तो ये है रानी कुमारी, पटना से आई हुई है और बहुत अच्छा इनको रिजल्ट नजर आया। क्या संदेश देना चाहेंगे उन मरीजों को जो किडनी की बीमारी से पीड़ित है और रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रास्ता निराशा हो जाती है रास्ते को लेकर? सबसे पहले तो यही बोलेंगे कि मॉडर्न दवाइयां जो एलोपैथ कोई नहीं, मॉडर्न दवाइयां जो है उनको छोड़ देंगे। ये छोड़ना नहीं है, वो साथ में चलती है, उसके साथ में चलती है, लेकिन हाँ आयुर्वेद है ऐसा जो कि जिससे पे विश्वास किया जा सकता है, तो वो दे सकती है। ठीक है,
ये रानी कुमारी जी बिहार से हैं और लग के इन्होंने सब चीज़ें फॉलो करी, रिपोर्ट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट है। स्टॉप किडनी डायलिसिस।